वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा गहरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे वैष्णविज्म के बारे में। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो लोग विष्णु लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वैष्णविज्म। हमने क्या और देखा था कि चंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख कैसे है कि वो देवकी के पुत्र हैं, ठीक है। देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में पाया जाता है, चंदोग्य उपनिषद। आज हम स्टार्ट करेंगे शैविज्म के बारे में पढ़ना, ठीक है। जिस तरीके से विष्णु को वर्शिप करने वाले लोगों को वैष्णविज्म या वैष्णव उस धर्म को वैष्णविज्म बोलते हैं, वैसे ही शिव को, द वर्शिपर ऑफ शिवा आर नोन एज शैविटाइज एंड द रिलीजन रिलेटेड टू देम इज नोन एज शैविज्म। जो लोग शिव को वर्शिप करते हैं उनको क्या बोलते हैं, शैविटाइज या फिर शैविटीज। और उस धर्म को जिसमें शिव की भक्ति होती है, लॉर्ड शिवा का वर्शिप होता है, उसको बोलते हैं शैविज्म, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन इंडिया। ये सबसे पुराना जो है, सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है इंडिया का। इट्स एंटीक्विटी गोस बैक टू द इंडस सिविलाइजेशन बिकॉज मार्शल हैज प्रूव्ड द स्क्रिप्चर इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन डिराइव्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एन अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा। अब जॉन मार्शल ने जो स्क्रिप्चर जो है डिराइव किया था, जो कॉइन्स हमने देखे थे मोहनजोदड़ो से जो एक्सकवेट किए गए थे, उसमें क्या था, प्रोटो शिवा या फिर प्रोटो शिवा हम कहेंगे महादेवा का ही कोई रूप था, जिसके चार जो है हम कहते थे चार उसके इर्द गिर्द जानवर होते थे, वो योगी पोस्चर में बैठे रहते थे, ठीक है, उनको हम प्रोटो शिवा ही बोलते थे ना, तो वो शिवा का ही तो रूप थे, अर्ली रूप थे। तो क्या माना जाता है, एंटीक्विटी यानी उसकी जो हम कहेंगे कि वो कितना पुराना है, उसका उल्लेख कहाँ से होता है, फिर हम कहाँ से जान पाते हैं, तो जो कॉइन्स हमने मोहनजोदड़ो से एक्सकवेट किए थे उसमें भी क्या है, आपके लॉर्ड शिवा के अर्ली फॉर्म का ही जो डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर्स हैं, इमेज है, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ है कि बहुत पहले से आपका शैविज्म जो है एग्जिस्ट करता है। शिवाज नेम रुद्र इज फाउंड इन द ऋग्वेदा। अब शिव का नाम जो रुद्र है उसका उल्लेख कहाँ पे, ऋग्वेदा में है। पार्वती जो कि शिव की वाइफ है, रुद्र की वाइफ है, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तैतरीय आरण्यक में, ठीक है। आरण्यक क्या होते हैं, आरण्यक वो किताबें हैं जो वन में रहने वाले छात्र द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। तो अब पार्वती का उल्लेख एज अ रुद्र वाइफ, एज अ शिवाज वाइफ कहाँ पे है, तैतरीय आरण्यक में। द ओल्डेस्ट आइडल ऑफ शिवा इज फाउंड इन द फर्स्ट सेंचुरी इन रेनेगुंटा नियर मद्रास एज द फेमस बुद्धिमालम लिंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिमालम लिंगा क्या है, ओल्डेस्ट जो है क्या है, स्क्रिप्चर आइडल है शिवा का, कहाँ पे पाया जाता है, रेनेगुंटा मद्रास, ठीक है। अब मेजर सेक्ट्स ऑफ शिवा कौन कौन से है, कितने हैं, चार मेजर सेक्ट है सेक्ट्स हैं शैविज्म के, पशुपत, शैवा, कपालिक और कालामुख। कौन कौन से, पशुपत, शैवा, कपालिक और कालामुख। ये था आपका शैविज्म का पूरा एक तरीके से ब्रीफिंग और हम कहेंगे समराइज वे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। पशुपत और शैवा को क्या बोलते हैं, शैवाटाइज या फिर शैविट्स या फिर शैविटीज बोलेंगे, ठीक है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। और जो रिलीजन जिसमें शिव की भक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, शैविज्म बोलते हैं। ये ओल्डेस्ट रिलीजन है। इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है कि जो मोहनजोदड़ो से कॉइन एक्सकवेट किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, उस पर क्या था, प्रोटो शिवा या शिवा महादेवा का ही तो स्वरूप बना हुआ था, ठीक है, जो योगी पोस्चर में बैठे थे। वो जो आपको कॉइन का इमेज है वो गूगल पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। शिव का नाम रुद्र कहाँ पे उल्लेख है, कहाँ पे पाया जाता है, ऋग्वेदा में। पार्वती जो रुद्र की वाइफ है उनका उल्लेख कहाँ पे, तैतरीय आरण्यक में, ठीक है। अब जो ओल्डेस्ट शिवा का आइडल है वो कहाँ पे मिलता है, रेणुगुट्टा मद्रास में, क्या नाम है, गुडीमालम लिंगा, ठीक है। चार मेजर सेक्ट्स हैं शिवा के या शैविज्म के, कौन कौन से, पशुपत, शैवा, कपालिक और कालामुख। कौन कौन से है, पशुपत, शैवा, कपालिक और कालामुख, ठीक है। तो यहाँ पे शैविज्म एंड होता है। नेक्स्ट सेशन से हम लोग मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पे आपको जो है सारी मौर्य की प्री हिस्ट्री, मौर्य के बारे में, फिर हम उसकी पोस्ट मौर्य पढ़ेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।